लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह के समय फिर एक बार मिलकर परमेश्वर के साथ संगति मनाने के लिए एक अच्छा अवसर परमेश्वर हम सब के जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस प्रत्येक अनुभव में परमेश्वर के आत्मा के चलित हमारे जीवन चलने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर हमारा जीव को जीवनों को केंद्रित करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम पिछले दिनों में से कलीसिया के बारे में, कलीसिया के सदस्यों के नामीकरण के बारे में, नहीं तो कलीसिया के सदस्यों का नाम देने वाले हिस्सों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग भाइयों के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो कलीसिया में जो सदस्य लोग हैं उनको भाई के नाम से बुलाया जाता था, तो भाई के प्रयोग के बारे में बहुत कुछ हम लोग सीख के आ रहे थे। आज भी उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर के वचन के माध्यम में से हम देखेंगे भाइयों के बारे में बाइबल क्या गुरुत्व रीति से बताता, नहीं तो भाइयों का चिन्ह कैसा होना चाहिए, भाइयों का गुण चरित्र जीवन की शैली कैसी होना चाहिए, आत्मिक जीवन के अनुभवों से परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। उल्पति का किताब 9वां अध्याय उसकी 5वीं वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 5। प्रेज़ यू जीसस। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा, मनुष्य के प्राण का बदला एक एक भाई बंधु से लूंगा। देखा ना, एक एक भाई बंधु से लूंगा। देखा ना, उधर हम लोग देख सकते हैं भाई का प्रयोग 9वीं अध्याय 5वीं वचन में लिखा गया है। अगर उल्पति का किताब 9वीं अध्याय का शुरुआती तौर हम लोग देखेंगे तो नूह को परमेश्वर क्या करते हैं, आशीष देकर, नहीं तो क्या बोलते हैं, परमेश्वर जल के द्वारा, बारिश के द्वारा पूरा पृथ्वी को नष्ट करने के बाद एक परिवार को परमेश्वर क्या किए, सुरक्षित रीति से फिर से इस ज़मीन के ऊपर क्या कर दिए, उतरवा दिए, नहीं तो एक नया पहचान, एक नया फैमिली, एक नया जीवन की शैली को परमेश्वर क्या किए, पृथ्वी में स्थापना किए। तो उसकी 9वीं अध्याय में देख सकते हैं परमेश्वर नूह से क्या करते हैं, एक वाचा बांधते हैं, कवनेंट करते हैं। उसकी 9वीं अध्याय 1वें वचन में क्या बोलते हैं जानते हो ना, परमेश्वर नूह से बोलते हैं तुम पृथ्वी पूरी तरीके से क्या करो, फलपूर्ण भरो, मल्टीप्लाई करो, पूरा पृथ्वी भर जाओ। और परमेश्वर नूह से क्या करते हैं, बहुत सारे नियमों के बारे में, कवनेंट के बारे में परमेश्वर को उसको बताते हैं। ये और उसकी 5वीं वचन में देख सकते हैं परमेश्वर खून के बारे में, मनुष्य के खून के बारे में बहुत गुरुत्व रीति से बताते हैं। इसलिए उसका 5वां वचन का शुरुआत कैसे लिखा है, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू लूंगा, लहू का और अर्थात प्राण का बदला लूंगा। मतलब उधर परमेश्वर बता रहे हैं कि क्या तुम्हारा ब्लड का मैं क्या करूंगा, अकाउंट लूंगा, आई विल टेक एन अकाउंट ऑफ योर ब्लड। उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है कि ब्लड परमेश्वर एक अकाउंटिंग रखना शुरू करेंगे। किस चीज़ के बारे में, खून के बारे में, खून का मतलब मनुष्य का प्राण के बारे में, ओके yes. और उसके बाद लिखा गया अगर कोई जानवर किसी मनुष्य को मार देता है उसका भी मैं अकाउंट लूंगा, अगर कोई मनुष्य किसी और भाई को नहीं तो किसी और व्यक्ति को मार देता है तो उसका क्या करूंगा, अकाउंट लूंगा। हेलो yes. तो इसका अर्थ है किसी का भी खून लिए, किसी का भी खून किए, कत्ल किए, कुछ भी किए, उसका क्या मैं करूंगा, परमेश्वर अकाउंट लूंगा बोल के बोलते हैं। तो इधर देखने वाले में परमेश्वर का कवनेंट को, ब्लड लाइन कवनेंट को देख सकते हैं। पहली, जो कोई अपना जान लेगा, मतलब खुदकुशी करेगा, सुसाइड करेगा, अपने शरीर को खुद मार डालेगा, उस व्यक्ति का परमेश्वर क्या करेंगे, अकाउंट लेंगे। हेलो, इसलिए बाइबल कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, अगर तुम परमेश्वर के मंदिर को नहीं तो तुम्हारे शरीर को नष्ट करोगे, परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए बाइबल के सिस्टम के हिसाब से हम दारू क्यों छोड़ दिए, हम सिगरेट क्यों छोड़ दिए, हम लोग क्यों बहुत प्रकार के गंदे चीज़ों को जो हमारा शरीर को नष्ट कर देता उसको हम क्यों छोड़ दिए। हेलो,
ताकि वो हमारा शरीर का क्या कर सकता है, जानलेवा बन सकता है। नहीं तो हमारा ब्लड अकाउंटेंट अकाउंट करने का हिसाब से परमेश्वर के सामने वो क्या कर सकता है, एक एक हिसाब दिलवाने की अनुभव बना सकती है। इसलिए कमी सुसाइड करना परमेश्वर के वचन से विरुद्ध है, दारू पीना परमेश्वर के वचन का विरुद्ध है, आत्महत्या करना वचन का विरुद्ध है, नहीं तो अपना जान लेना, खुदकुशी करना परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है। क्यों? जान हमारा है ही नहीं, जान किसका है? परमेश्वर का है। तो परमेश्वर ही खुद है, खुद हकदार है हमारा जान लेने के लिए। इसलिए आज हमें मालूम, शैतान कभी भी किसी का जान नहीं ले सकता। नो, जान जिसने दिया है वही हमारा जान ले सकता है। परमेश्वर ने जान दिया है तो परमेश्वर ही जान ले सकते हैं, शैतान कभी भी किसी का जान नहीं लेगा। हेलो, शैतान कभी भी किसी का जान नहीं लेगा। शैतान किसी का जान कैसे ले सकता है, ले सकता कैसे जानते हो ना, एक व्यक्ति के अंदर शैतान एक प्रभाव डालकर, शैतान का इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति के अंदर देकर। उदाहरण से एक व्यक्ति, अभी सुशांत सिंह के बारे में देखो, बताया जा रहा है वो डिप्रेशन में था, तो शैतान ने क्या किया, उसके अंदर डिप्रेशन की शक्ति को, डिप्रेशन की जो प्रभाव को उसको उसके अंदर दे दिया, तो वो व्यक्ति जीने से ज्यादा मरने के लिए उत्साह बना दिया। हेलो, शैतान कभी भी किसी को मारता नहीं है, वो अपना इन्फ्लुएंस हमारे अंदर डालने की कोशिश करता है। इसीलिए यीशु मसीह का सेवकाई क्या है, शैतानिक इन्फ्लुएंस से हमें बचाना, हमें छुटकारी देना, हमारे जान को, हमारे खून को हम क्या करना, उद्धारी के रास्ते लाना, वही है यीशु मसीह का मकसद। इसीलिए यीशु मसीह का खून क्यों बहा दिया गया, ताकि हमारे खून को क्या मिल सकती है, रिहाई मिल सकती थी, ताकि नहीं तो शैतानिक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर काम ना करे, असर ना करे, उस रीति से परमेश्वर का, यीशु मसीह का खून हमें प्रोटेक्ट कर सके। द प्रोटेक्शन दैट कैन गिव थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। हेलो, यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत क्या है, ताकि शैतानिक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर उतना प्रभुत्व नहीं करेगी, परमेश्वर के खून का प्रभुत्व, पवित्र आत्मा का प्रभुत्व, नहीं तो यीशु मसीह का वचन का प्रभुत्व हमारे अंदर काम करके हमारा प्राण को, हमारा ब्लड लाइन को बचा के रखने के लिए। हेलो, इंडिविजुअली हम अपने जीवन को परमेश्वर को देना जरूरी है। इसीलिए इधर बताया गया, पहली पंक्ति में बताया गया क्या है, तुम अपना खुद शरीर को क्या मत करो, नष्ट मत करो। इसीलिए बहुत सारे लोगों का विश्वास यह है कि वो लोग दवाई भी लेते नहीं है, विश्वासी लोग, क्यों? दवाई लेने पर क्या करता है वो, हमारा शरीर को साइड इफेक्ट्स लाता है। अभी केमोथेरेपी करने पर क्या होता है, हमारे शरीर का जो केस है, चूटी है, नहीं तो हेयर है, वो पूरी तरीके से निकल जाता है, नहीं तो स्किन डिजीजेस आने लगते हैं। क्यों? एक दूसरे का क्या है, साइड इफेक्ट है। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर पर आधारित है और विश्वास में बड़े मैच्योर वाले लोग हैं, बहुत से अधिक लोग क्या करते हैं, मेडिसिन अवॉइड करते हैं, मेडिसिन लेते नहीं है, क्योंकि वो उनका शरीर को क्या करता है, नष्ट करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको ही मेडिसिन ना ले, ऐसा नहीं है। अगर निकटता की श्रेष्ठता, नहीं तो परमेश्वर की निकट तुमने एक कवर नहीं, ऐसा एक कवनेंट रखा है तो तुम कर सकते हो, नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं है तो तुम ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, अगर पैरासिटामल ज्यादा खाएंगे क्या होगी, हमारा किडनी खराब हो जाएगा। अगर सैरिडोन ज्यादा लेंगे क्या होगा, हमारा शरीर में वो बहुत असरित करेगा। इसलिए मेरे बोलने का मतलब यह है कि हमारा ब्लड को परमेश्वर अकाउंट करने वाला परमेश्वर है, ही टेक्स एन अकाउंट ऑफ आवर ब्लड। इसलिए कभी भी अपना शरीर को नष्ट मत करो,
दारू पी के अपना शरीर को नष्ट मत करो, सिगरेट पी के अपना शरीर को नष्ट मत करो, अन्य अन्य रीति का क्या बोलते हैं, नशीली पदार्थों को लेकर तुम्हारा ब्लड को, तुम्हारा फैट, तुम्हारा जीवन को नष्ट मत करो। गॉड ही इज ए पर्सन हु टेक्स अकाउंट ऑन यू, परमेश्वर तेरे ऊपर अकाउंट लेने वाले हैं। इसीलिए नूह से परमेश्वर बोलते हैं, कवनेंट देके बोलते हैं, डोंट कमिट सुसाइड, तुम अपना शरीर को क्या मत करो, नष्ट मत करो। यीशु मसीह को ग्रहण करने पर क्यों लोग सब प्रकार के खराब अभ्यासों को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपना सोल शरीर बॉडी पूरी तरीके से परमेश्वर को दे देते हैं। इसलिए रोमियो के किताब में भी बताया, तुम परमेश्वर के मंदिर बन गए हो। हेलो, इसीलिए पहली वाली पंक्ति में क्या बताया, तुम अपना जीवन के बारे में अकाउंट देने के लिए हकदार हो। इसीलिए जो जान तुझे परमेश्वर दिए हैं, उस जान का पूरी तरीके से पूर्णता लेकर ही तू यहां से वापस जा सकता है। वो पूर्णता देने के लिए यीशु मसीह आज भी हमारे लिए मौजूद है। यीशु मसीह के ऊपर आधारित होने से मौत तक हम अपना जीवन को क्या कर सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। उसके बाद का जिंदगी भी परमेश्वर सिक्योर बना सकते हैं। इसीलिए जीते दम में ही हमें अपना जीवन को सिक्योर कराना जरूरी है यीशु मसीह पर। हेलो, उल्पत्ति का किताब 42 का 22, जेनेसिस चैप्टर 42 वर्स 22। रूबेन ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के बनो, परंतु तुमने न सुना, देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। हेलो, लहू का पलटा लिया, अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ हिज ब्लड। ये किसके बारे में बताया गया है, यूसुफ के बारे में बताया गया है, नहीं तो जो कौन याकूब का भाइयों के निकट खाना लेने के लिए, खाना देने के लिए गया था, खाना लेने के लिए आते लेके आते वक्त उसके भाइयों ने क्या बोला, ये देखो सपना देखने वाले आ रहा है। इसने अपना सपनों के बारे में विवरण अपने परिवार में बोलने पर वो उसका जीवन में क्या कर दिया, समस्याएं ला खड़ा दिया। अब उसके भाइयां क्या सोच लिए, उस इसके सपने को बंद करने के लिए, यूसुफ को मारने के लिए तैयार हो, चीज बोला जो बोलने के लिए तैयार हो। अगर परमेश्वर तेरे अंदर एक दर्शन दिए है, अगर परमेश्वर तेरे अंदर एक सेवाई दिए है, अगर परमेश्वर तेरे अंदर एक अभिषेक दिए है, तेरे भाई तेरे को क्या करेंगे, नष्ट करने की कोशिश करेंगे। भाइयों के ऊपर सैतानिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो लोग अपना जीवन आत्मिक रीति से चला नहीं रहते। इसीलिए आज सुबह एक चीज, वो डोंट शेयर योर विजन विथ अनस्पिरिचुअल पीपल, तुम्हारा दर्शन को अनात्मिक लोगों के साथ शेयर मत करो। हेलो, डोंट शेयर योर लाइफ विथ एन अनस्पिरिचुअल पर्सन, एक अनात्मिक व्यक्ति के साथ तुम क्या मत करो, आत्मिक चीजों को शेयर मत करो। अरे सुअर के सामने सोना देने से सुअर क्या करेगा, है तो कुचलेगा, नहीं तो उसे सोने को मिट्टी में दफना देगा, वही चीज सुअर कर सकता है। इसलिए इसने यूसुफ ने क्या किया, जो दर्शन परमेश्वर उसको दिए थे, नहीं तो जो सपना इसने देखा था, उस चीजों को इसने क्या किया, अपने भाइयों को बोला, अपना पापा को बोला। पापा तो उसको कुछ नहीं किया, गाली तो दिए, मगर भाइयों ने उसको क्या किया, कत्ल करने के हिसाब से तैयार बने। हेलो, इसीलिए यहां पे बताया गया, इसे ये लोग सब मिलके इसको क्या कर दिए, जिसने खाना लेके आया था उसी को कुएं में क्या कर दिया, डाल दिया। हेलो, आज सुबह एक चीज मैं बोलता हूं, तू जिसे खाना दिलवाता है, तू जिसे खान पीन के लिए सहायता दिलाता है, वो ही तेरों को कहां डालेंगे। हेलो, वो ही तुझे कहां पे डालेंगे, गड्ढे में डालेंगे, वो ट्रेंड है।
गड्ढे में डालना ही नहीं। उसके बाद ये लोग सब मिलके इसको क्या कर दिए, बेच दिए। तब रूबेन को ये चीज मालूम नहीं थी। रूबेन जब आकर देखा तो क्या देखा, रे उसका भाई है ही नहीं। तो वो क्या बोल रहा है, हमें उसका खून का क्या देना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ेगा। इसीलिए आज सुबह एक चीज मैं बोलता हूं, हमारा खून के विरुद्ध काम करने के लिए शैतानिक शक्तियों का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। There is a satanic influence which is always back of every spiritual person. हर एक आत्मिक व्यक्ति के पीछे शैतानिक शक्तियां हमारा प्राण को नष्ट करने के लिए देख रहा है। मगर एक चीज मैं आज सुबह के समय मैं बोल सकता हूं, तुम्हें उद्धारी दिया हुआ, तुम्हें दर्शन दिया हुआ, तुम्हें वचन पर खड़ा करने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। वो तेरे प्राण को नष्ट होने नहीं देगा, वो तेरे खून को बहने नहीं देगा, वो तेरी प्राण तुझसे अलग होने ही नहीं देगा। His hands are ready to save you every 24/7. उसके हाथ 24 घंटा 7 दिन तुम्हें सहायता करने के लिए हर दम मौजूद है। इसीलिए यूसुफ को बचाने के लिए परमेश्वर क्या किए, बहुत सारे बिजनेस पीपल को, नहीं तो बहुत सारे लोगों के संतानों को उस रास्ते से परमेश्वर लाए। इसलिए आज सुबह एक चीज मैं बोल सकता हूँ, एक्यूब्ड इन योर लाइफ देर विल बी सम और द अदर वे वेर गॉड कैन यूज पीपल टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट सर्कमस्टेंसेस। तेरी सहायता कोई परमेश्वर उपयुक्त लोग कर तुझे क्या करेंगे, गड्ढों में से तेरे को बाहर निकलने वाला परमेश्वर। अरे असल में कौन इसको बचाना है, भाइयां उसे बचाना है, मगर भाइयां कत्ल करने के इसके अंदर शैतानी सोच के देखो। हेलो, इसलिए आज की आत्मिक जीवन की चर्या में कलीसिया के अंदर हमें देखना चाहिए, डोंट ट्राई टू किल एनीवन, किसी भी कलीसिया के सदस्य, नहीं तो दुनिया के किसी भी मनुष्य का कत्ल मत करो। डोंट किल देम, अगर तू मार दिया यू हैव टू गिव अकाउंट, तुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए रूबन क्या बोल रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ेगा। अकाउंट नहीं देके कहीं भी नहीं जा सकते, वी हैव टू गिव अकाउंट। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे, अकाउंट देने के हिसाब से ये लोग क्या किए जानते हो ना, किसको अकाउंट देना है, उसके पप्पा को, क्योंकि उसके पप्पा ने यूसुफ को क्या किया, खाना देके बेचा भेजा। अब पापा को अकाउंट देना, अकाउंट देने के लिए बेटे लोग क्या किए, बोले नहीं, भाइयों मिलकर क्या किए, एक बकरी को काटे और उसका खून पूरी तरीके से उसके वस्त्र में क्या कर दिए, लगा डाले। इसलिए आज सुबह में एक चीज मैं बोलने के लिए तैयार हूं, अरे वो मेमना यीशु मसीह है जिसका खून हमारे ऊपर गिरा, वो खून हमारे ऊपर गिरने पर हमें क्या मिली, मुक्ति मिली, प्रोटेक्शन मिली, स्वर्गीय भाग्य मिला। हेलो, इसीलिए यूसुफ को क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया, कहाँ निकलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकल जाने के लिए एक अवसर परमेश्वर उसको दिला दिए। इसीलिए वो कहाँ चला गया, मिस्र, इजिप्ट, इजिप्ट के देश में चला गया। इसीलिए मैं आज सुबह एक चीज मैं बोलता हूँ, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है वो तेरे जान नहीं लेगा, क्योंकि तू परमेश्वर पर आधारित है। इसीलिए यूसुफ को क्या किया गया, बचाया गया। भाइयां क्या सोचे, इसको मार देगा, मगर वो मरा नहीं, क्या बना, राजा बना। शैतान सोचता है तुझे मैं मार दूंगा, मगर परमेश्वर का सोच विचार देखो, यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया, इजिप्ट का सेकंड पर्सन बना दिया, द सेकंड सिटीजन ऑफ इजिप्ट। शैतान तुझे मारने के लिए देखते वक्त, परमेश्वर तुझे बचाने के लिए कोशिश करने वाला परमेश्वर। हेलो,
इसीलिए आज सुबह के समय हमें मालूम कर लेना चाहिए कि हमें बचाने वाला एक परमेश्वर हर दम हमारे लिए है। यूसुफ इजिप्ट का सेकंड पर्सन बनने का हिसाब से, सेकंड सिटीजन बनने के हिसाब से परमेश्वर उसे क्या किया, खड़ा करके रखा। इसीलिए आत्मिक लोगों का खून चिल्लाएगा, आत्मिक लोगों का खून चिल्लाएगा, क्यों? परमेश्वर अकाउंट मांगते हैं। अब ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 19, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 19, अठारह का 19वां वचन, और जो मनुष्य मेरे वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। हेलो, परमेश्वर का वचन को उसका नहीं सुनोगे, परमेश्वर अकाउंट लेंगे। हेलो, जो वचन परमेश्वर के दास हमें रिसीविंग इट, उसको रिसीव करना शुरू करो। अगर रिजेक्ट करोगे, यू हैव टू गिव अकाउंट्स। अकाउंट मांगने वाला परमेश्वर। इसलिए आज सुबह के समय जो भी वचन परमेश्वर हमें बताया जा रहा है, वो सब कुछ को हमें रिसीव करना जरूरत है। इसीलिए डोंट एवर ट्राई टू कोशिश ही मत करो परमेश्वर के इन्फ्लुएंस पर आकर, पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में आकर, यीशु मसीह के खून के, यीशु मसीह के लहू के इन्फ्लुएंस में को परमेश्वर के वचन पे आकर, जैसे परमेश्वर यूसुफ को सिक्योर किए, वैसे तुझे मुझे कलीसिया परमेश्वर सिक्योर करके रखेंगे। तो इसीलिए मेरे बोलने का मतलब, डोंट एवर ट्राई टू Be influential under the satanic influence. से पढ़ने की कोशिश ही मत करो, अपना जान मत जोखिम में रखो। Don't spoil your life. जो कुछ तेरे प्राण को नष्ट करता है, जो कुछ तेरे आत्मा, जो कुछ तेरे शरीर को विनष्ट करता है, उन चीजों से दूर भाग। नहीं तो परमेश्वर तेरे को अकाउंट पूछने की दिन आ रही है। दूसरे वाले ये में लिखा क्या गया, गया तो अगर कोई जानवर किसी मनुष्य को मार देता, उसका भी परमेश्वर क्या करेंगे, अकाउंट लेंगे। एक्सोडस की चैप्टर 21वां अध्याय उसका 28वां वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 28, यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा स्टिंग मारे कि वो मर जाए, तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। हेलो, मूसा की व्यवस्था में बताया गया, देखो अगर एक जानवर किसी औरत को या मर्द को मार देता है, उसे क्या करना चाहिए, पत्थर डाल के मार देना चाहिए और उसका शरीर को, उसका फ्लैश को खाना भी नहीं चाहिए, और जो उसका मालिक है उसके ऊपर कुछ भी आरोप नहीं आना चाहिए। परमेश्वर जानवरों का अकाउंट लेते हैं, ही टेक्स अकाउंट ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि जानवरों के ऊपर भी शैतानिक शक्तियां क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। इसीलिए ना मार्कस के सुसमाचार में देख सकते हैं, चौथवीं पांचवीं अध्याय में देख सकते हैं, एक भूतग्रस्त व्यक्ति यीशु मसीह के निकट आया, यीशु मसीह उसके भूत को निकाल देते वक्त उन भूतों ने उसको क्या कहा, हमें किसके ऊपर भेज दो, सुअरों के ऊपर भेज दो। सुअरों के ऊपर जाते ही सुअरों ने क्या किया, हेलो, पानी में डुबकी लगाकर आत्महत्या किया। क्यों? उस शैतानिक इन्फ्लुएंस, वो सुअर क्या नहीं कर सके, हैंडल नहीं कर सके, तो वो सुअरों के अंदर जो शैतानिक शक्तियां गया, सुअर मरने पर वो शैतानिक शक्तियां कहां निकल गई, मरने कहा, मरने के लिए पानी में, वो सुअर तो मर गए, अब शैतानिक शक्तियां कहां गए। हेलो,
बोले नहीं, शैतानिक शक्तियां कहां गए? वो शैतानिक शक्ति गए कहां? ये सुअरों के मालिकों के ऊपर। इसीलिए ना वो देश के लोग उनको बुला के लेके आए और क्या बोले, इस देश से ही यीशु मसीह को निकल जाओ, चले जाओ बोल दिए। क्यों? उनके अंदर वो इन्फ्लुएंस आ गया, इसीलिए वो लोग फिर से यीशु मसीह के साथ नहीं रुक पा रहे थे, भगा दे रहे थे। अगर कोई यीशु मसीह को भगा रहा है तो सोच लो उसके अंदर सैटानिक इन्फ्लुएंस है। अगर कोई परमेश्वर को वचन को एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है, सोच लो उसके अंदर सैतानिक शक्ति का इन्फ्लुएंस है। अगर कोई पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस चाहता नहीं, पवित्र आत्मा में पूर्णता चाहता नहीं, तो सोच लो वो इन्फ्लुएंस सैतानिक में जा रहा है। अगर कोई यीशु मसीह के लहू के ऊपर आश्रित नहीं हो रहा है, नहीं तो यीशु मसीह के उद्धारी के रास्ते पे आ ही नहीं रहे, मान लो सैतानिक इन्फ्लुएंस उसमें काम कर रहा है। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, जानवरों भी सैतानिक इन्फ्लुएंसों में आकर क्या कर सकते हैं? मनुष्य को मार सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो व्यवस्था बोलती ही क्या है, उनको क्या कर दो, कत्ल कर दो, मार दो, पत्थर मार के क्या कर दो, मार दो। और एक वचन पढ़ के देखते हैं, लेवियों का किताब 20वां अध्याय उसका 15वां वचन, लेविटिकस 20:15, यहां भी जानवरों के बारे में बताया गया। देखो, फिर यदि कोई पुरुष पशुकामी तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। फिर एक बार, मैं सुना नहीं, 15वां वचन। फिर यदि कोई पुरुष पशुकामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। 15वां वचन में क्या लिखा गया इधर? अगर कोई पुरुष या स्त्री जानवरों के साथ मैरिज लाइफ, नहीं तो सेक्सुअल लाइफ शुरू करेगा, उन दोनों को मार देना चाहिए। हेलो, शादी स्वादी पुरुष और स्त्री के बीच में होता है, पुरुष पुरुष के बीच नहीं, स्त्री स्त्री के बीच में नहीं, पुरुष और जानवर के बीच नहीं, स्त्री और जानवर के बीच नहीं। बाइबल सख्त इसके विरुद्ध है। हेलो, परमेश्वर जो चॉइस रखे हैं उस चॉइस को अडॉप्ट करो। तुम्हारा चॉइस परमेश्वर के ऊपर ठोक मत डालो। डोंट प्रिंट योर चॉइस अपॉन गॉड। हेलो, ओ मेरे बात सुन रहे हो? लेवियों के पुस्तक में, लेविटिकस के पुस्तक में क्या कहा गया है? अगर कोई मनुष्य या स्त्री जानवरों के साथ संबंध शुरू कर देता है, नहीं तो जानवरों के साथ क्या करता है, शादी का रिश्ता बांधता है, वाचा बांधता है, किल देम, वो लोग जीने के लिए हकदार नहीं है, दे शुड बी किल्ड। अगर हम नहीं मारे, परमेश्वर मारेंगे, वो 100% श्योर है। नो, परमेश्वर जो चॉइस रखे हैं उस चॉइस के हिसाब से करने की कोशिश करो, क्योंकि मनुष्य का चॉइस ऐसा एक घिनौनी चीज है। मनुष्य का चॉइस जब शैतानिक चॉइस में मिल जाता है तो परमेश्वर का विरुद्ध काम करने लगता है। फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूं, मनुष्य का चॉइस परमेश्वर का चॉइस बन जाता है तो प्रॉब्लम नहीं, अगर मनुष्य का चॉइस शैतानिक चॉइस में मिल जाता है तो क्या परमेश्वर का विरुद्ध का चॉइस बन जाता है। मेरे बोलने का वाचा समझ में आया? द चॉइस विच यू हैव इफ इट गेट अडेप्टेड टू द चॉइस ऑफ सैटनिज्म इट विल बिकम अगेंस्ट द चॉइस ऑफ गॉड। इसीलिए आजकल लोग मनुष्य को हमदर्दी ज्यादा, जानवरों को हमदर्दी ज्यादा, सॉरी मनुष्यों को हमदर्दी कम, जानवरों को हमदर्दी ज्यादा। लोग भूखे मर रहे हैं तभी भी जानवरों को क्या करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाना दो, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, अगर किसी का जानवर किसी का जान भी लेता है उसको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। इसलिए बाइबल सख्त विरुद्ध है।
किस चीज के बारे में? रॉन्ग चॉइस, गलत चॉइस लेने पर। हो सकता है हमारा वर्ल्ड का सिस्टम इस तरीके से करप्ट हो गया कि जो परमेश्वर की चॉइस है उसके विरुद्ध लॉ खड़ा हो गया, है या ना? बहुत सारे देशों में क्या कर रहे हैं, जानवरों के साथ भी रिश्ता बना रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले सुन रहा था, क्या कौन सा है कि एक कम्युनिटी के लोग, वो लोग जिस चीज को देखा उनके साथ वो लोग क्या करते हैं, शादियां, रिश्ता है। हेलो, आज परमेश्वर के वचन के हिसाब से एक चीज में गुरुत्व रहते, यू हैव टू गिव अकाउंट टू एवरी एक्ट विच यू डू। हर एक चीज की तुम्हें अकाउंट करनी देनी जरूरी है। तीसरी वाली प्रयोग में, अगर तुम अपने भाई का कत्ल करते हो, यू हैव टू गिव अकाउंट, डोंट किल योर ब्रदर। बातों से, कोई भी चीज से उसको क्या मत करो, मारो मत, डोंट किल हिम। मत्ती लिखित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 22वां वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से देख सकें। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5:22, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यस, कि अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, यस, और जो भी अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हेलो, उसका 21वां वचन भी पढ़ के शुरुआत ही 21 से पढ़ लो, 21:21। सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोग से कहा गया था कि हत्या ना करना, हत्या ना करना, हाँ, और जो कोई हत्या करेगा, हाँ, वह तेरी में दंड के योग्य होगा। हेलो, डोंट किल योर ब्रदर। कैसे हत्या करते हैं आजकल, तो चाकू की जरूरत नहीं है, बातें काफी है। जो बातें तू बोल रहा है उससे किसी को मार मत, तेरे फेसबुक के पोस्ट किसी को मार नहीं देना चाहिए, तेरा यूट्यूब का ट्रोलिंग किसी को मार नहीं देना चाहिए। हेलो, तेरा ट्विटर का हर एक ट्वीट किसी को मार नहीं देना चाहिए। इफ यू आर ट्राइंग टू किल somebody, देयर इज ए गॉड हु इज टेकिंग अकाउंट ऑफ यू। अगर तू किसी को मार रहा है, परमेश्वर तेरा अकाउंट लेंगे। सोशल मीडिया यूज करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यूजिंग द सोशल मीडिया डोंट किल एनीबॉडी। सोशल मीडिया यूज करके किसी को मार मत दे। हो सकता है तेरा लाइक, सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं, शेयर ऑप्शन बढ़ सकता है, हो सकता है तेरे को कमाई मिल सकती है, बट यू आर किलिंग पीपल। तू विश्वासी हो अविश्वासी हो, कोई भी हो, एक चीज तुझे मालूम करना, डोंट किल पीपल, डोंट मर्डर पीपल, किसी की कत्ल मत करो। आज का 2020 का इस जमाने में लोग इतना ट्रेंडी बन गए कि वो लोग चक्कू से लोगों को मार नहीं रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया से लोगों को मार रहे हैं। इसलिए आज सुबह के समय पवित्र आत्मा में मैं एक चीज गुरु रीति से बोलता हूँ, डोंट एवर ट्राई टू किल एनीबॉडी। अगर कुछ किसी को बोलना है, आमना सामना जाके बोलो, पीछे से वार मत करो, छिप छिप के वार मत करो। पिछले दिन भी मैंने पढ़ रहा था, अमिताभ बच्चन को भी किसी ने क्या किया, मरने की ये दिया। पीपल आर ट्राइंग टू किल अदर्स। अरे लोगों को डिप्रेशन में मत ले जाओ, तुम्हारा मैसेज किसी को डिप्रेशन में मार नहीं देना चाहिए। इसलिए बाइबल मत्ताई के सुसमाचार 5वां अध्याय 21वां वचन में कहेंगे, डोंट किल योर ब्रदर। अच्छे अच्छे चीजों को तू YouTube, Facebook, सोशल मीडिया में डाल, पॉपुलैरिटी नहीं आई भी तो प्रॉब्लम नहीं, यू आर सेफ एंड सिक्योर। तू सेफ है, तू सिक्योर है, परमेश्वर के दृष्टि में तू सेफ सिक्योर है। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से पहले, कोई वीडियो डालने से पहले, किसी के बारे में बोलने से पहले, उसकी मानसिक तत्व को मारते हिसाब से, नहीं तो उसकी शारीरिक जीवन को मारने के हिसाब से, नहीं तो उसको आत्महत्या की प्रलोभन करने के हिसाब से, डोंट एवर ट्राई टू किल एनीबॉडी।
ही इज ऑल्सो ए लिविंग सोल विच इज बीन ओरिजिनेटेड बाई गॉड. परमेश्वर के द्वारा जीवन प्राप्त हुआ एक व्यक्ति और मनुष्य वो भी है. हो सकता है वो परमेश्वर को जानता नहीं होगा, हो सकता है वो परमेश्वर को जानता हुआ एक व्यक्ति, जो कोई भी होने दो, वो परमेश्वर का हाथ के द्वारा सृष्टि किया गया मनुष्य है. ही हैज अ वैल्यू, ही हैज अ टैलेंट, ही हैज एन इंडिविजुअलिटी, ही हैज एन आइडेंटिफिकेशन. डोंट एवर ट्राई टू किल एनीबॉडी, किसी को मारने की कोशिश मत करो. कत्ल करना घिनौनी एक अकाउंट है परमेश्वर की दृष्टि में. इसलिए बाइबलिकल सिस्टम क्या बोलता है, अगर तुम अपने भाई के विरुद्ध क्या बोलने से, एक बार उसका 22वां वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा दंड के योग्य होगा. हेलो, और जो वेट 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 वेट, पहला चीज क्या है, जो कोई अपने भाई के प्रति क्रोध करेगा. हेलो, क्रोध, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, ये बहुत गुरुत्व वाला चीज है. जो कोई अपने भाई के प्रति क्रोध करेगा, क्रोध, क्रोध, अगर वो एंग्री, बीइंग एंगर, गेटिंग प्रोवोक्ड विथ एंगर, गुस्सा ऐसा एक चीज है जो दूसरे व्यक्ति को हत्या भी करवा सकता है. हेलो, पिछले दिन मैंने कहा कि मैं सुना एक व्यक्ति, जीएसबी चलाने वाला एक व्यक्ति, एक आदमी दारू पिया था. वो दारू पिया हुआ व्यक्ति को किए जीएसबी, ये वो वहाँ पे बैठा था, उसको बोला हट, रास्ते से हट, बोलने से वो हटा नहीं. इसलिए इसने क्या कर दिया जानते हो ना, जीएसबी से लेके उसके सर पे पटक दिया. देखो उसका गुस्सा इतना अनकंट्रोल था कि वो उस जेसीबी में बैठ के उसको क्या कर दिया, उसके सर पर मार रहा है जेसीबी से. इसलिए बाइबल कहता है किसी के अपने भाई के विरुद्ध क्या मत करो, गुस्सा मत करो. गुस्सा करो मगर वो गुस्सा तुझे पाप तक मान ना ले जाए. गुस्सा करो मगर वो गुस्सा तेरे को कहाँ तक ना ले जाए, पाप में ला जाए. अगर गुस्सा किया भी तो सूर्य के अस्त होने तक तू उससे क्या करना चाहिए, फिर से मिल जाना चाहिए. हेलो, वो है बिब्लिकल सिस्टम. उसके बाद क्या कहा, अगर तू अपने भाई को क्या बुलाता है, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा. हाँ. और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा, निकम्मा कहेगा, निकम्मा कहने से हाँ, वह महासभा में दंड के योग्य होगा. हेलो, ही विल बी देयर फॉर द जजमेंट. अगर तू अपने भाई को विरुद्ध में कुछ गाली देता है तो, अनाप शनाप बक के घूमता है तो, सोच लो तेरा जजमेंट सीट में तेरा केसेस का लिस्ट कितना बढ़ता है. उसके बाद अगर तुम अपने भाई को, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य. हेलो, ये विश्वासियों को, अविश्वासियों को, सबको एक समान है. यीशु मसीह के खून के द्वारा उद्धारी पाने के बाद, हाँ, पवित्रात्मा पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद, वचन जानने के बाद, बड़ा सेवक कोई भी हो सकता है, बट इफ यू बातों से किसी को मार दिया, नरक जाएगा. ऐसा है तो कितने लोग नरक जाएंगे सोच लो. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हेलो, ऐसे लोगों को मारने का स्टॉप करो, स्टार्ट स्टॉपिंग इट. डोंट किल योर ब्रदर. अरे जब तू जान नहीं दे सकता तू कौन है जान लेने के लिए. जब जान दे नहीं सकता तो जान क्यों लेगा. आया ना, जब तू किसी को करुणा दिखा नहीं सकता तू क्यों किरण के लिए घूमेगा. जब तू किसी को सहायता करेगा नहीं तू क्यों सहायता के लिए खुद ढूंढेगा. इसलिए बाइबल सख्त रीति से बताता है तुम अपने भाइयों का क्या मत करो, कत्ल मत करो. ये कलीसिया के अंदर बाहर सबको एक रीति से कहने वाली एक चीज है. ये बताने वाला व्यक्ति कौन है, खुद यीशु मसीह है. यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है. वो क्या बोल रहे हैं, अगर तुम अपने भाई को फूल कहा, निकम्मा कहा, डोंट बी अफ्रेड, वो तुझे कहां ले जाएगा.
नरक का आग में, यू शैल बी इन डेंजर ऑफ हेल फायर, नरक की आग की दंडवत में तू क्या कर सकता है, जा सकता है, वो तेरे लिए अवसर है। इसीलिए अगर ऐसा कुछ किया है तो क्या करने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, उसके 23वां वचन, इसलिए यदि तू अपने अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, छोड़ दे और जा और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हेलो, तू जितना बड़ा आत्मिक व्यक्ति भी हो सकता है, मगर तुझे मालूम पड़ गया कि तेरे वजह से दूसरा व्यक्ति को क्या हुआ, दर्द पहुंचा, डिप्रेशन गई, नहीं तो उसको मौत का कारण कुछ बना रहा है, ऐसा कुछ तेरे को लगा, तुरंत क्या करेगा, अपना भेंट को कहां छोड़ेगा, जहां तू है वहीं पे छोड़कर जाके उसके साथ क्या होना चाहिए, रिकनसाइल बैक, उसके साथ फिर से मेल मिलाप कर। हेलो हेलो, कत्ल करने के बाद तो तू बड़ा दान धर्मी के हिसाब से चर्च के अंदर काके ऑफरिंग और दसवां भाग दे के बड़ा डांस मत कर, पहले जो क्लियर करना है उसको क्लियर कर। हेलो, क्यों कलीसिया के अंदर आने के बाद क्यों ये चीज याद आया, अरे ये चीज बाहर आना चाहिए ना, बोले नहीं, भेंट देने के लिए कहाँ, चर्च के अंदर ना, चर्च के बाहर नहीं, तो चर्च के अंदर, हाँ, ये व्यक्ति चर्च के अंदर आने के बाद क्यों ये चीज इसको याद आया, परमेश्वर का आत्मा दिलाया, पवित्र आत्मा उसको बताएगा। इसलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, पवित्र आत्मा की आत्मा से चलने वाले व्यक्ति कभी भी किसी को क्या नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, दे वोंट किल एनीवन, सोशल मीडिया का ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा का ट्रेंड क्या है वो फॉलो करेंगे। आमीन। हेलो, इसलिए आज सुबह के समय बहुत, इट्स अ सीरियस डील, वी नीड टू टॉक अबाउट, ये बहुत सीरियस सी बातें हैं जो हमें बात करने की जरूरत है। तुम कलीसिया के सदस्य हो, तुम्हें परमेश्वर संगति में मिलाए है, तुम्हें भाई कहकर बुलाए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी और को मारो, किसी की कत्ल करो और ऊंचा नीचा करके भेंट चढ़ाने से ओके, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हेलो, चलिए इसलिए आज सुबह के समय स्टार्ट रियलाइजिंग, आस्क द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को पूछो किसी के लिए, किसी को मेरे बातों के द्वारा, मेरे देखने के द्वारा, मेरे पोस्ट के द्वारा, मेरे लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब के द्वारा, मेरे शेयर के द्वारा, मेरे यूट्यूब का काम के द्वारा, मेरे सोशल नेटवर्क के कुछ भी काम के द्वारा, किसी को डिप्रेशन में, किसी को मौत को, किसी को आत्महत्या करने के लिए, किसी की जान लेने तक की ऐसा कुछ किया गया है तो स्टार्ट रिपेंटिंग एंड गेट बैक टू हिम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, जाओ माफी मांगो, फिर अपना जीवन को सिक्योर बनाओ, यू आर रनिंग इन डेंजर। ऐसा ट्रेंडी मत बनो, पवित्र आत्मा पूर्ण बनो। इसलिए बाइबल क्या कहती है, अगर तुझे भेंट चढ़ाते वक्त याद आया तो वो भेंट को वहीं छोड़ दे, अगर जीते हैं तो बिब्लिकली जिए, अगर मरते हैं तो बिब्लिकली मरे। हेलो, लोगों को परमेश्वर का जान देने का कोशिश करो, लोगों को परमेश्वर शैतानिक इन्फ्लुएंस में आकर मारने की कोशिश मत करो, वो बिब्लिकल है ही नहीं। तुम जितने बड़े भी व्यक्ति भी हो सकते हो, तुम जितना अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति भी हो सकते हो, आज पवित्र आत्मा बोल रहा है यू आर रनिंग इन डेंजर।
नरक की दंड का क्रॉस लाइन में खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द क्रॉस लाइन टूवर्ड्स द एटर्नल हेल। ये एक सीरियस डील है, स्टार्ट टेकिंग इट सीरियस, बिकॉज वी सर्व ए गॉड। हम एक ऐसा परमेश्वर का आराधना करते हैं जो चीजों को बहुत सीरियस लेता है, ही टेक्स एवरीथिंग इन अकाउंट, सब कुछ चीजों का, सब चीजों का हिसाब लेने वाला व्यक्ति है। इसीलिए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, कलीसिया के सदस्य, हमें परमेश्वर कलीसिया में नामीकरण करके रखा, क्यों? ताकि हमारे मुंह से, हमारे हमारे कामकाजों से किसी को मौत ना आए। तुम्हें परमेश्वर ने जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, स्टार्ट गिविंग पीपल एटर्नल लाइफ, लोगों को अनंत जीवन दो। इसीलिए यीशु मसीह मरे हुए लोगों को क्यों जी उठाया? कभी भी यीशु मसीह अपने सेवकाई में लोगों को मरने के लिए प्रार्थना किया है क्या? नहीं। सबको जीवन देने के लिए। आजकल का भाइयां सब ऑपोजिट बन गए, किसी को भी मार देंगे। मैं अपने कॉलेज में पढ़ते वक्त मेरा एक दोस्त दूसरे एक दोस्त को मारने के लिए मेडिसिन तोड़कर निचोड़कर क्या करता था, खाने में मिला के देता था। यह है ट्रेंडी, ऐसा मत करो। तुम उधारी पाने से क्या हुआ, तुम अभी अभिषेक पाने से क्या हुआ? जो सीरियस डील है उसको सीरियसली ही लो, टेक इट सीरियस। इसलिए आज सुबह के समय पवित्र आत्मा हमें बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाता है, अगर कोई किसी के भी विरुद्ध बोलना भी पड़ा, शट योर माउथ, अपने मुंह को बंद में रखो, काबू में रखो, जबान को लगाम दो, नरक का दंड मत का योग करो, नरक का स्थिति में जाने की कोशिश ही मत करो, अपने जीवन को सिक्योर करो। इसीलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इसीलिए यीशु मसीह का खून हमारे लिए बहा दिया गया है, इसीलिए परमेश्वर के वचन हमारे लिए उपलब्ध है। स्टार्ट क्लारिफाइंग योरसेल्फ, गेट सैंटिफाइड, गेट क्लीन, पवित्र बन जाओ, शुद्धिकरण पा जाओ। उल्पति का किताब उसका 19वां अध्याय उसका 7वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 9:7, उन्नीस का 7, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना करो। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? लोत के घर में दो परमेश्वर के दूतागण आए थे, दूतागण आने पर लोत ने लोत को एक इन्फॉर्मेशन दिए, लोत तुम इसे देश को छोड़कर भाग जाओ। लोत क्या बोल रहा? आज नहीं प्रभु, कल, आज यहां रुको, खाना खाओ, निकल जाओ। उस रात क्या हुआ जानते हो ना? उस देश के लोग, कौन? सोदम गोमोरा के लोग सब मिलकर आके क्या कर रहे हैं? दरवाजा पर आकर खटखटा के बोल रहे, जो तुम्हारे घर में आया हुआ गेस्ट है उनको क्या करो, बाहर भेजो। हम क्या कर रहे हैं? हेलो, हम लोग क्या करेंगे? उनके साथ अत्याचार करेंगे। तो देखो कैसा देश में लोत रुका है। देखो ऐसा एक देश में जहां समलिंगता को प्रोमिनेंसी देते हैं, वैसा देश में रुका है। उस देश का कौन है ये मुखिया? उस देश का मुखिया, उसे बचाने के लिए दो दूतागण, वो बोल रहा है आज रुक जाओ, कल रात सुबह निकल जाएंगे, खाना खा के मौज मस्ती करके जाएंगे। कितना उन दूतों को उतना इन्फ्लुएंस करके रखा। देखो लो, तो सोच लेना कि लोत के अंदर कितना शैतानिक शक्ति का प्रभाव था, और लोग उस देश के लोग क्या करने के लिए आए?
दरवाजे पे आके खटखटा के बोल रहे, तुम्हारे घर में जो गेस्ट आए उनको भेजो, हम उनके साथ क्या करेंगे, ये विचार करेंगे। उस पर लोथ क्या जवाब दे रहा है? ऐसा मत करो, मेरी दो कुंवारी बेटियां हैं, उनका तुम कुछ भी। हाँ, ये है जजमेंट, ये है न्याय अध्यक्ष का काम। तो भी उस देश से भागने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, ऐसे लोग भी कलीसिया के अंदर है। अरे कलीसिया के अंदर की गलतियां जानने पर भी चुप बैठने वाले, उसको मलहम लगाने वाले, नो, ऐसा मत करो, मलहम मत डालो, मजा मत करो, बी प्रैक्टिकल क्रिश्चियन, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनो। हमारे मुंह से निकलने वाली बातें चमत्कारियां कर सकता है, इसलिए इसने जो बोला वही चीज उसके बेटियों ने उसके ऊपर प्रयोग किया। लोत ने जो बात बोला वही चीज उसके बेटियां ने क्या किया, लोत के ऊपर प्रयोग किया, किसका गया, लोत का गया। और ये देखो यहां पे उसकी सातवीं वचन में ये क्या प्रार्थना कर, भाइयों के, अरे दुष्ट कर, दुष्टता पूर्ण लोगों को निकट क्या प्रार्थना करोगे, सुनेंगे प्रार्थना नहीं। अगर ये लोग लेविया होते ना, कब का इनका, अगर लोत लेविया होता तो इनका सब का क्या कर लेता, सर काट देता। आत्मिक चीजें आत्मिक ही हैं, अनात्मिक चीजों को आत्मिक चीजों से मत मिलाओ, अलग बने रहो परमेश्वर के लिए। आखिरी एक वचन पढ़कर मैं आज की ही इस वचन को मैं बंद करना, लेवियों का किताब 19वां अध्याय 17वां वचन, लेवियों का किताब 19वां अध्याय, लेविटिकस 19 वर्स 17। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। हेलो, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा विरोध, तुम्हारा क्या बोलते हैं, पड़ोस कुछ भी गलती करता है, उसको क्या करो, डांटना है तो डांटो। अगर डांटते नहीं हो तो क्या उसका अर्थ क्या है, तुम भी उस चीज में इन्वॉल्व हो। हेलो, अगर डांटते नहीं हो तो उसका अर्थ क्या है, तुम भी, वो व्यक्ति भी उस चीज में क्या है, इन्वॉल्व है। अगर जब लोत इस सोदोम गुमारा में रुका हुआ था, उसको मालूम था ना उधर के लोग कैसे लोग हैं, तो जब डांटा नहीं, उसका अर्थ क्या है, वो भी उनके उनके साथ क्या था, बन गया। हाँ, हकदार था। इसलिए ना उनके बेटी लोगों को ऐसा एक विचार आया ना, आया ना। हाँ, जो जगह में तुम रुके हो उस जगह का इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर आना नहीं चाहिए, जो स्थान पर रुके हो उस स्थान का शैतानिक शक्ति तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, जिस जगह में रुके हो उस जगह का चीजें रिवाजें तेरे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करना। तेरा इन्फ्लुएंस कलीसिया के अंदर होना चाहिए, कलीसिया के आत्मा के ऊपर होना चाहिए, कलीसिया में बोलने वाले वचनों के ऊपर होना चाहिए, कलीसिया में दिखाई देने वाले नहीं तो सुसमाचार बोलने वाला यीशु मसीह के लहू के ऊपर तेरा इन्फ्लुएंस आना जरूरी है। अगर ऐसा आएगा तो तुझे क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकती है। ऐसा है तो तेरा ब्लड कैन बी सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फॉर एवर एंड एवर। इसलिए परमेश्वर हमें कलीसिया का योगदान क्यों बनाए, ताकि हमारे द्वारा किसी की मौत ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी की क्या नहीं, नष्टता नहीं हो जाए, हमारे द्वारा नित्यता लोग पा सके, अनंतता पा सकते, आत्मिक जीवन पा सकते। इस रीति से हम अपना जीवन को सिक्योर बनाएंगे। आमेन।
परमेश्वर की इन्फ्लुएंस में आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कलीसिया का नामीकरण में प्रयोग, एक नाम है भाई, भाई का अर्थ क्या है, एक परिवार का सदस्य, एक ही बाप का बेटा का एक हिस्से हकदार, उस हकदार में परमेश्वर हमें रखे हैं। हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की इन्फ्लुएंस में आने की शुरुआत करेंगे, हम परमेश्वर के वचन के इन्फ्लुएंस में आधारित होने की कोशिश करेंगे, हम क्या करें, यीशु मसीह के लहू के इन्फ्लुएंस में आने की कोशिश करेंगे। ऐसा है तो कलीसिया का भाई बनकर अनेकों को अनंत जीवन का क्या कर सकते हैं, भागीदारी बनकर हम भी खड़े हो सकते हैं। किसी की कत्ल करने की अनुमति हमारे जीवन में आएगी ही नहीं अवसर। इसलिए आज पवित्र आत्मा में पूर्ण होकर एक ही चीज में बोलता है, ऐसी शैतानिक इन्फ्लुएंस को यीशु मसीह के नाम अभी इसी वक्त तोड़ रहे हैं परमेश्वर, उसे हमें मुक्ति दिलवाई है। अच्छे भाई के हिसाब से जीने के लिए हमें सहायता दीजिए। ये अच्छे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। आइए आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ओ जीसस, तेरे को हम लोग धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन से परमेश्वर आपने हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। हम भाइया बनकर जीवन यापन करेंगे परमेश्वर, हम नरक दंड की योग्यवान नहीं बने, हम नरक के क्रॉस बॉर्डर्स में नहीं रुकेंगे, हम वहां से वापस भागेंगे परमेश्वर के कलीसिया के साथ योग्यवान पाकर, परमेश्वर के आत्मा के इन्फ्लुएंस में रुककर, परमेश्वर के वचन के इन्फ्लुएंस में रुके होकर, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के इन्फ्लुएंस में रुककर हम अपने आप को सिक्योर बना के रखेंगे। हमारी बोलती देखिए आचरण व्यवहार सब कुछ को परमेश्वर आत्मनियंत्रण के द्वारा चलाने के लिए हमें सहायता, प्रति शैतानिक शक्तियों के विरुद्ध जयवंत होकर हमारी आत्मिकता को खड़ा करने के लिए हमें सहायता दीजिए। बहुत सारे लोग यूसुफ को नष्ट करने के लिए देखे, मगर परमेश्वर उसे मुक्ति दिलाकर सेकंड सिटीजन इन द किंगडम ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के देश में दूसरा सिटीजन बनाया हिसाब से, परमेश्वर हमें भी स्वर्गीय तट पर सेकंड सिटीजन बनाओ, परमेश्वर के बाद वाला सेकंड सिटीजन बनाओ। मेक मी द सेकंड सिटीजन ऑफ द चर्च ऑफ द हेवन, स्वर्गीय तट पर परमेश्वर मुझे सेकंड सिटीजन बनाइए। इसलिए मुझे सहायता, हमें सहायता दिया, इसलिए धन्यवाद देते, आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम पेश करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन।